पोको एक्सीट प्रो डिवाइस है, रिपेयर करवाया था एक महीने पहले, इसका मदरबोर्ड चेंज हुआ था, ये वापस डेड हो गया। सो हे एवरीवन गाइस, कैसे हम सभी लोग यार फाइनली आ चुके होने वाले वीडियो के साथ में। ये वाला जो वीडियो होने वाला है पोको एक्स थ्री प्रो के ऊपर होने वाला है, क्योंकि यार काफी ज्यादा बंदों को दिक्कत हो रही थी कि पोको एक्स थ्री प्रो जो है डेड हो जा रहा है। एंड यार लिटरली मेरा खुद के साथ भी ये सीन हो चुका था, क्योंकि मेरे खुद के पास भी था पोको एक्स थ्री प्रो डिवाइस, और वो डिवाइस पे मैं गेम वगैरह खेलता था, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस वगैरह देखता था भाई, डिवाइस तो यार बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता, पर उसमें जो है दिक्कत ये हो रही थी कि पोको एक्स थ्री प्रो जो है अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा डेड हो रहा है, और लिटरली मेरा खुद का भी डेड हो चुका था, बट मैंने जो है जैसे तैसे करके उसको रिप्लेस करवा दिया था एक्स फोर प्रो से। एंड यार मेरे को नया डिवाइस मिल गया था तो मेरे को तो इतना इशू हुआ नहीं, बट यार लिटरली एक बंदा आता है मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करता है कि यार उसका पोको एक्स थ्री प्रो जो है डेड हो चुका है, तो मैं उसको सोल्यूशन देता हूँ कि भाई सर्विस सेंटर वगैरह विजिट कर लो तुम, तो यार तुम्हारा सोल्यूशन वहाँ पे हो जाने वाला है। बट उसका जो जब वो सर्विस सेंटर विजिट करता है तो वहाँ पे उसका सीन ये होता है कि वो जो अपना पोको एक्स थ्री प्रो था वो जो है रिप्लेस नहीं हो पाता है, एंड उसको जो है रिपेयर कर दिया जाता है भाई सर्विस के द्वारा। तो यार वो बंदा जो है उसको रिपेयर करवा लेता है मेरे से, भाई पूछता है कि भाई रिपेयर करवाऊँ या ना करवाऊँ, तो मैं बोल देता हूँ कि यार रिपेयर करवा लेना, तो यार उसका जो डिवाइस रिपेयर हो भी जाता है, और वो लिटरली भाई एक महीने तक उस डिवाइस को चलाता है, ठीक है। और एक महीने बाद जो है वो मेरे को फिर से मैसेज करता है कि भाई जो है मेरा पोको एक्स थ्री प्रो फिर से डेड हो चुका है, और अभी भी उसकी वारंटी जो है बाकी थी, और जब वो फिर से अपना जो डिवाइस है ना वो सर्विस सेंटर पे लेके जाता है तो सर्विस सेंटर वाले फिर से बोलते हैं कि इसको रिपेयर कर दिया जाएगा। और यार भाई मतलब उस बंदे के साथ डबल बार सीन हो चुका है, पोको एक्स थ्री प्रो जो है उसका खुद का जो डिवाइस था वो जो है उसमें भाई दो बार डेड हो चुका है लिटरली, एक बार तो डेड हुआ था बट उसको जो है रिपेयर कर दिया गया, और वो जब दूसरी बार डेड हुआ तो वो फिर से सर्विस सेंटर विजिट किया, तो यार वहाँ पे फिर से उसको जो है रिपेयर की बात कर रहे हो, अगर वो बंदा जो है उस डिवाइस को रिपेयर करवाता है एंड यार आगे के टाइम पे फिर से डेड हो जाएगा तो उसका तो भाई पूरा नुकसान हो ही जाने वाला है। अगर आपके पास भी पोको एक्स थ्री प्रो है ना तो भाई लिटरली उसको ध्यान से रखना, क्योंकि वो कभी भी डेड हो सकता है, क्योंकि पोको एक्स थ्री प्रो जो है ना ऐसा सीरीज है भाई लिटरली सारे बंदे के जो है डेड होने वाला है, क्योंकि कभी भी हो सकता है किसी के बहुत ज़्यादा टाइम बाद होने वाला है, किसी के पहले हो जाने वाला है। तो मेरा जो डिवाइस था वो 9 मंथ चला था और उसके बाद डेड हो चुका था, और वो जो बंदा था जिसके डेड हो चुका है दो बार डेड हुआ है उसका, और उसका लगभग 5 से 6 महीना पहले डेड हुआ था, और उसके बाद फिर से उसका रिपेयर वगैरह हुआ, एंड अभी जो है उसकी वारंटी 1 महीने की और बची और फिर से डेड हो चुका है। तो यार वो बंदा भाई अभी लिटरली बहुत ज़्यादा परेशानी में आ चुका है, तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं एक बार उसको रिपेयर करवा लो एंड सेल कर लो। तो यार अगर भी आप भी जो है पोको एक्स थ्री प्रो जो है परचेज़ करना चाहते हैं तो भाई लिटरली भाई बिल्कुल भी मत परचेज़ करना। मैं शाओमी की वगैरह की पूरी कंपनी की कोई ऐसी बुराई वगैरह नहीं कर रहा, एंड यार वो शाओमी के अच्छे अच्छे डिवाइस आते हैं, बहुत अच्छे डिवाइस निकालता है शाओमी, एमआई वगैरह बहुत अच्छे अच्छे डिवाइस आते हैं, बट यार जो पोको एक्स थ्री प्रो की जो सीरीज़ आई पोको एक्स टू था वो भी पहले डेड हुआ था, बट अभी के टाइम पे जो है पोको एक्स थ्री प्रो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, उसके अंदर आ रहा था स्नैपड्रैगन का भाई प्रोसेसर 8 जनरेशन का, तो यार उसमें भाई लिटरली काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आ रहा था गेम का, तो और कोई दिक्कत नहीं हो रही थी उसमें, फाइनली डेड हो जा रहा था पोको एक्स थ्री प्रो जो है, और मेरे खुद के साथ भी हुआ है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं कोई कंपनी की बुराई वगैरह नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलर एक फ़ोन की बात कर रहा हूँ, तो यार उसी पर्पज से लेना। एंड यार अगर आप भी आपके पास भी पोको एक्स थ्री प्रो है तो यार आप जो है भाई उसको ध्यान से रखना, अगर सेल हो सके उसको तो सेल करवा लेना, या कंपनी में एक्सचेंज होता हो तो उसे एक्सचेंज करवा लेना, क्योंकि कभी भी डेड हो सकता है, क्योंकि भाई जो पोको एक्स थ्री प्रो है ना मतलब इतना ट्रस्टेबल डिवाइस था पहले के टाइम पे, बट अभी जो है उसका भाई बहुत ज़्यादा हैट होने लग गया है, और लिटरली मैं खुद भी एडवाइस देता हूँ बंदों की भाई पोको एक्स थ्री प्रो मत लेना, क्योंकि यार वो जो है एकदम ट्रस्टेड डिवाइस नहीं है। तो यार गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा डिवाइस था, बट यार वो जो है ना भाई लिटरली पूरा एकदम हो चुका है। एंड यार यहाँ पे भाई जो है मेरे को वो बंदे के इंस्टाग्राम पे मैसेज वगैरह आए, तो यार मैंने सोचा कि यार क्यों ना अपनी ऑडियंस को भी भाई पूरी जो है मैसेज दे दिया जाए कि भाई पोको एक्स थ्री प्रो के रिलेटेड क्या हो रहा है, और जिनके भी पास पोको एक्स थ्री प्रो है और जिनके डेड हो चुके हैं वो बंदे वीडियो देख रहे हैं, तो यार जाओ सर्विस सेंटर वहाँ पे भाई तुम क्लेम करो, अगर कंपनी अगर आपका रिप्लेस नहीं कर रही है या रिपेयर नहीं कर रही है तो आप भाई केस वगैरह भी कर सकते हो, ये अलग की चीज़ रह जाती है। बट यार ये वाले वीडियो में बस सर्विस सेंटर की बात करने वाला हूँ, अगर सर्विस सेंटर आप विजिट करते हो तो आपका सोल्यूशन हो जाता है, बट यार कभी कभी तो यार किसी के डेंट वगैरह आ जाता है हल्का सा, तो वहाँ पे भाई जो है वो रिप्लेसमेंट या रिपेयर में पॉलिसी में ख़त्म हो जाती है उसकी पॉलिसी। तो यार यही था वीडियो, एंड भाई वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड यार पोको एक्स थ्री पे ध्यान रखना, क्योंकि पोको एक्स थ्री प्रो कभी भी डेड हो सकता है, और जिन भी बंदों ने मतलब ख़रीदा है वो सब ही पछता रहे हैं, और मैं खुद भी भाई जो है इस डिवाइस को लेके पछताया था, मेरे को फर्स्ट में लगा था कि भाई बहुत ही अच्छा डिवाइस है एंड यार कम रेंज के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा था, तो यार मैंने खुद भी परचेज़ किया था उसको,
तो यार भाई अगर आप परचेज करना चाहते हो तो बिल्कुल मत करना। एंड यार मैं पर्टिकुलर डिवाइस की बात कर रहा हूँ, कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, शाओमी की। तो यार उसी के पर्पज़ से लेना वीडियो को। एंड यार ज़्यादा हेट मत फैलाना शाओमी कंपनी पे वगैरह, क्योंकि अभी जो ये वीडियो है ना भाई ओनली फॉर पोको X3 प्रो है, क्योंकि पोको X3 प्रो एक ऐसा डिवाइस है जिसमें बहुत ही अच्छी लेवल की गेमिंग हो जाती थी, बट यार अभी के टाइम पे वो जो है डेड बहुत हो रहा है। उसका इशू क्या है क्या पता भाई, बिल्कुल भी मेरे को भी इतना ध्यान नहीं है, बट यार वो जो डिवाइस है ना उसका मदरबोर्ड पूरा ही डेड हो जा रहा है। उसके बाद जो है वो डिवाइस बिल्कुल भी कोई काम का नहीं आने वाला है। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो ना, इन्फॉर्मेशन लगा हो, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।